तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार आ चुके को न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीच में कंपैरिजन लेके आया हूँ आईकू नियो 7 वर्सेस में है अपना आईकू 9SE। दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़े तगड़े हमको देखने को मिलते हैं। और जो आईकू 9SE है ना, इसको मैंने जब परचेज करा था तब ये 34,000 रुपए का था, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है वो हो चुका है 30 से 31,000 रुपए के करीब करीब। तो जो 30,000 रुपए के अंदर की कैटेगरी है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन सी हो गई है। तो इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करने के लिए मेरे भाइयों ने बोला था कि दोनों का कंपैरिजन लेके आओ भाई कमेंट सेक्शन में, तो मैं लेके आ गया आप सभी के लिए वीडियो। बाकी यार आज वीडियो में जो भी कंफ्यूजन थी सब आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा कौन सा इन दोनों में से लेना चाहिए आपको गेमिंग के लिए, कौन सा नहीं। बाकी यार वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, पसंद आएगा तो जरूर से लाइक मारना। ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो ना अगर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार लो भाई, 4 लाख सब्सक्राइबर करवाने हमको फटाफट से। अभी बिल्कुल भी टाइम हम बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई ये दोनों स्मार्टफोन देख सकते हो कैसे लगते हैं लुक वाइज। बाकी हम क्या करते हैं इनकी स्पेक्स की फटाफट से बात कर लेते हैं। तो दोनों की जो भी स्पेक्स है ना, वो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई दिख जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। प्रोसेसर 9SE के अंदर 888 वाला हमको देखने को मिलता है, और आईकू नियो 7 के अंदर डायमेंसिटी का 8200 प्रोसेसर है। दोनों के अंदर जो डिस्प्ले है वो 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है भाई। 4500mAh की बैटरी है आईकू 9SE के अंदर, 5000mAh की बैटरी है आईकू 7 के अंदर। और चार्जिंग का ऑलमोस्ट डबल फर्क आया था भाई। जो अपना 9SE है ये सपोर्ट करता है 66W की फास्ट चार्जिंग को, और जो आईकू नियो 7 है इसके अंदर है 120W की फास्ट चार्जिंग, काफी ज्यादा तगड़ी है। दोनों स्मार्टफोन मेरे पास 8/128 वाले वेरिएंट के अंदर है। जो 9SE है इसका प्राइस है 31,000 रुपए अभी जो चल रहा है, और जो आईकू नियो 7 है इसका प्राइस है 30,000 रुपए। तो 1,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोनों के अंदर। ये हो गई सारी स्पेक्स की बात। अभी मैं आपको मेनली एक चीज दिखा देता हूं कि जो दोनों स्मार्टफोन है उनको मैंने 100% चार्ज करा था 9SE के अंदर, तो 1% ड्रॉप हो गया है। अपने डेस्क के अंदर दोनों की जो ब्राइटनेस उसको भी मैक्स पर रख के टेस्ट करने वाले हैं, एक घंटे गेमिंग के बाद देखेंगे कितना परसेंट का ड्रॉप होगा। और जो वाईफाई नेटवर्क है वो भी मैंने सिमिलर नेटवर्क पे कनेक्ट कर लिया है। अभी दोनों के अंदर एक साथ BGMI चालू करके देखते हैं तो किसके अंदर पहले गेम चालू होता है। तो 3, 2, 1 एंड गो। यहाँ पे जो रिजल्ट थे ना वो बहुत ज्यादा शॉकिंग हमको देखने को मिलते हैं। जो आईकू 9SE है ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी गेम को चालू कर देता है, और आईकू नियो 7 का जो डिफरेंस है ना वो ऑलमोस्ट 6 से 7 सेकंड का हमको देखने को मिलता है। और इसको मैंने अभी टेस्ट नहीं, मल्टीपल बार टेस्ट कर चुका हूं मैं, और हर बार का जो रिजल्ट था वो ऐसे ही सेम था। आईकू 9SE हर बार टेस्ट को यहाँ पे जीत रहा था। तो गेम ओपनिंग टाइम में आईकू 9SE ज्यादा फास्ट है। बाकी भाई ग्राफिक सेटिंग्स की दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर जो ग्राफिक सेटिंग है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की देखने को मिलती है। बैलेंस एक्सट्रीम, HD एक्सट्रीम और HDR तक भी एक्सट्रीम रहता है, और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा पे भी यहाँ पे गेम को चला देता है। तो भाई दोनों की ग्राफिक सेटिंग जो हमको देखने को मिलती है ना वो BGMI के अंदर तो अलग देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर भी HDR प्लस एक्सट्रीम तक का सपोर्ट खुला हुआ देखने को मिलता है आपको पबजी मोबाइल के अंदर। अभी हम दोनों को दोनों की स्मूथ सेटिंग्स के ऊपर रखने वाले हैं, स्टार्टिंग में एक्सट्रीम वाली सेटिंग्स भी करेंगे। एक चीज भाई मेरे को आपसे पूछनी थी कि जो मैं BGMI टेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप ये वाला टेस्ट पबजी मोबाइल वाला देखना चाहोगे? क्योंकि अभी पबजी मोबाइल वगैरह के अंदर ना अपडेट वगैरह आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन के साथ चल रहा है, और BGMI में थोड़ी उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन देखने को नहीं मिल रही क्योंकि अपडेट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर है भी नहीं गेम, इसलिए। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में वो बात बता देना। बाकी अभी हम जो अपना सबसे पहला मैच स्टार्ट करके देखने वाले हैं वो आईकू 9SE के अंदर करके देख रहे हैं। सेटिंग्स हमने रखी है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली, और देखते हैं 60fps पे कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। सबसे पहला जो मैच हम स्टार्ट करके देखने वाले हैं वो कर रहे हैं TDM का। जो इसका जायरोस्कोप सेंसर है ना वो ऑल एक्टिव हमको देखने को मिलता है, कोई भी डिले इसके अंदर देखने को नहीं है। आईकू है ना उसके अंदर काफी सारे यहाँ पे गेमिंग के लिए फीचर देखने को मिलते हैं, 4D गेम वाइब्रेशन, ई-स्पोर्ट्स मोड वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें हैं। तो सभी अभी मैंने बंद करा हुआ है, बस मैं जो गेम डिस्प्ले एनहांसमेंट है इसको ऑन करने वाला हूँ, इससे कलर थोड़े से आपको अच्छे से सैचुरेट होकर दिखेंगे, वीडियो में मजा भी आएगा भाई। हाँ उठा ले उठा ले उठा ले, ले उठा ही लिया। लो भाई जीत गए पहला मैच तो काफी इजीली। तो भाई एक मैच तो भी हमने कंप्लीट कर लिया है आईकू 9SE के अंदर, और जो ड्रॉप वगैरह था वो कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला। पहले मैच की जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा स्मूथनेस के साथ चलाई, और काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को पहले मैच के हिसाब से। अभी देखते हैं इसके मुकाबले में आईकू नियो 7 कैसा परफॉर्म कर रहा है भाई। तो नेक्स्ट मैच आईकू नियो 7 के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स पे TDM का। देखो भाई जायरोस्कोप सेंसर वगैरह की बात करें तो इसके अंदर भी कोई भी डिले हमको देखने को नहीं मिलता, इसका भी जायरोस्कोप सेंसर प्रॉपरली एक्टिव है, और दोनों के अंदर ऐसा कुछ भी डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिलता, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। बाकी जो फीचर्स वगैरह वो भी इसके अंदर सारे हमको देखने को मिलते हैं। इसको अभी मैं बैलेंस मोड पे कर रहा हूँ, ईस्पोर्ट्स मोड वगैरह सब ऑफ है, बस मैं यहाँ पे जो इसका ईगल मोड है ना इसको ऑन कर रहा हूँ ताकि कलर्स वगैरह थोड़ा अच्छे से दिखें। Set. The red team.
एक अपना पेड़ा और एक दूसरे का। लो भाई इसमें भी जीत गए। आइकोनियो 7 के अंदर भी हमने मैच कंप्लीट कर लिया है टीडीएम का, और जो परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पे इसकी भी काफी ज्यादा स्मूथनेस के साथ रही है। ड्रॉप वगैरह दोनों में से किसी के अंदर भी मेरे को देखने को नहीं मिला है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्मूथनेस है ना वो यहाँ पे आइकोनियो 7 के अंदर थोड़ी सी ज्यादा मेरे को देखने को मिल रही है 9SE के मुकाबले में। तो अभी फिलहाल के हिसाब से मैं आइकोनियो 7 को ऊपर रखने वाला हूँ, और जब हम नेक्स्ट मैच करके देखने वाले हैं वो कर रहे हैं आईकू 9SE में, और स्टार्ट करेंगे एक सानोक का मैच। भाई सानोक में देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स पे ही। तो चलो जंप करते हैं, चेकआउट करते हैं। हाँ डेफिनेटली ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला 50 FPS तक का, पर कोई नहीं मेंटेन हो गया वापस से। अबे सुतरी कैसे मर गया। दो किल मारे दोनों चुरा लिए। तो इसके अंदर हमने मैच कंप्लीट कर लिया है। जंप वगैरह करते हैं ना, थोड़े से ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएंगे इजीली 50 FPS तक के, मतलब 10 FPS का ड्रॉप देखने को मिलेगा बूटकैंप के मैच के अंदर। और दो मैच अभी मैंने इसके अंदर खेले हैं, तो भाई जो नीचे फाइट थी ना वो भी थोड़े बहुत ड्रॉप के साथ यहाँ पे देखने को मिल रही थी, मतलब 55 FPS 54 FPS वाला ऐसे करके FPS दे रहा था, कॉन्स्टेंट 60 नहीं दे पा रहा था चुपक के। तो सानोक के मैच में थोड़ा बहुत ड्रॉप डेफिनेटली आपको आईकू 9SE के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी जो नेक्स्ट मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं आईकू न्यू 7 के अंदर करके देख रहे हैं, सेटिंग सेम है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की, और मैच भी सेम कर रहे हैं सानोक का। इसमें भी जम करते हैं, देखते हैं भाई इसकी लैंडिंग थोड़ी स्मूथ थी आईकू 9SE के मुकाबले में, लेकिन ड्रॉप इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिला था हमको। सारी दिक्कत है अभी आनी है। तो आइकोनियो 7 के अंदर भी हमने मैच कंप्लीट कर लिया सानोक का। जो जंप करते में ड्रॉप था वो था यहाँ पे इसके अंदर भी थोड़ा बहुत, लेकिन जो 9SE है उसके मुकाबले जितना नहीं था भाई, उसके मुकाबले में जो स्मूथनेस है वो गेम के अंदर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही थी। ड्रॉप इसके अंदर भी हमको डेफिनेटली देखने को मिल रहा था सानोक के मैच के अंदर बीच बीच फाइट में तो थोड़ा बहुत। अभी जो हम नेक्स्ट मैच स्टार्ट करके देखने वाले हैं वो इरेंगल के करके देखने वाले हैं, और इसमें हम क्या करेंगे इनका जो मॉन्स्टर मोड रहता है वो ऑन रखेंगे, और ई स्पोर्ट्स मोड जो रहता है वो ऑन रखेंगे साथ में। नॉर्मली अभी हम देखने वाले हैं कि मॉन्स्टर मोड और ई स्पोर्ट्स मोड को ऑन करने के बाद कितना ज्यादा स्मूथनेस का फर्क आ जाता है गेम के अंदर। तो सबसे पहले मैच हम स्टार्ट करेंगे आईकू 9SE के अंदर, और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स है, मैच है इरेंगल का। मैच स्टार्ट कर दिया हमने, मॉन्स्टर मोड को कर लेते हैं इनेबल यहां से, और ई स्पोर्ट्स मोड को भी साथ के साथ इनेबल कर लेते हैं। चलो जंप करते हैं, देखते हैं भाई इरेंगल का मैच काफी ज्यादा स्मूथ लैंडिंग के साथ यहां पे कर दिया है इसने जंप। अपन आ गए रिकॉल होके गाइस, फिर से चलेंगे वोचंकी। लिटा ही रह गया वैस क्या, मैं तो परमानेंटली लिटा दिया। तो भाई मैच अभी हम कंप्लीट करके आ गए हैं आईकू 9SE के अंदर भी, और जो परफॉर्मेंस ही ना वो डेफिनेटली हमको अब तो देखने को मिली है। जो परफॉर्मेंस मोड है ना इसका मॉन्स्टर मोड और ई स्पोर्ट्स मोड, उसको ऑन करने के बाद की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो गई है। जो ड्रॉप वगैरह है वो हमको काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर सही ड्रॉप हमको देखने को मिला अभी वाले मैच के अंदर। तो एक बार भाई टेम्परेचर चेक कर लेते हैं इसका, 42 डिग्री पहुंच गया फ्रंट से, बैक से भाई 40 डिग्री तक टच हो रखा है, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना वो है 29 डिग्री करीब करीब, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट हमको देखने को मिल रहा है
डिवाइस वाले स्मार्टफोन के अंदर। बाकी भाई जो नेक्स्ट मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं आईफोन यूएस 7 के अंदर करके देख रहे हैं, इसके अंदर भी सिमिलर वैसे ही मैच परफॉर्म करेंगे जैसे कि इसके अंदर करा था। एरेंगल का मैच कर दिया हमने स्टार्ट, मॉन्स्टर मोड को कर लिया ऑन, ई स्पोर्ट्स मोड को भी कर लिया है ऑन। अभी इसमें भी जंप करते हुए देखते हैं, तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप हमको देखने को मिला है जंप करते में, 45 FPS तक ईजिली आया था ये, लेकिन वापस से मेंटेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसको फिनिश करने के चक्कर में दोनों फिनिश हो गए। तो ये वाला जो मैच हमने खेला है ना आईकू न्यूज 7 के अंदर, इसके अंदर का जो ड्रॉप था वो हमको ना के बराबर सा देखने को मिला है। आईकू न्यूज 7 में पता है कैसा रहता है कि अगर आप इसके अंदर मॉन्स्टर मोड इसका ऑन कर लेते हो और उसके बाद की गेमिंग परफॉर्मेंस करते हो ना, तो आपको कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है, काफी ज्यादा बढ़िया होती है उसके बाद इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल पे खेलते हो ना बैलेंस मोड पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉप इसके अंदर हमको देखने को मिलता ही है। इसका भी टेम्परेचर भाई हम चेक कर लेते हैं कितना पहुंच गया है, ये भी भाई 40 डिग्री तक पहुंच गया फ्रंट से और बैक से, और देखते हैं बैक से तो 38.6 ही चल रहा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताई 30 डिग्री के करीब करीब चल रहा है, और जो अपना न्यू 7 है मैक्स 40 डिग्री तक पहुंचा है। बाकी यार अभी हम क्या करते हैं, 1 घंटा 12 मिनट हमको गए गेमिंग करते करते, तो यहीं पे हम स्टॉपवॉच को कर लेते हैं स्टॉप और फेंक देते हैं कोने में कू। तो दोनों के होम स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। बैटरी ड्रॉप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 74% हो गया आईकू 9 SE, 84 है आईकू न्यू 7, तो 10% का ज्यादा ड्रॉप हमको देखने को मिला भाई आईकू 9 SE के अंदर। जो आईकू न्यू 7 है ना इसने ड्रॉप करा है 16% बैटरी 1 घंटे गेमिंग के बाद, और आईकू 9 SE के अंदर ड्रॉप हुआ 26% बैटरी 1 घंटे गेमिंग के बाद, 1 घंटा 12 मिनट की गेमिंग के बाद मतलब। तो जो ड्रॉप था ना वो आईकू 9 SE के अंदर ज्यादा हमको देखने को मिला है। आईकू न्यू 7 में काफी ज्यादा सही बैटरी चली है 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से, चार्जिंग वगैरह भी इसके अंदर आपको ज्यादा फास्ट देखने को मिलती है, और जो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह थी ना बैलेंस मोड पे खेले तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर सी आपको देखने को मिलती है, 19-20 का फर्क है बहुत माइनर सा। लेकिन अगर आप मॉन्स्टर मोड को ऑन करके खेलते हो ना, मॉन्स्टर मोड और ई-स्पोर्ट्स मोड वगैरह जो है इसके, तो उसके बाद जो आईकू न्यू 7 है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है, और जो ड्रॉप्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी हमको देखने को नहीं मिलते हैं इसके अंदर। लेकिन 9 SE के अंदर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है मॉन्स्टर मोड के बाद, लेकिन यहाँ पे आईकू न्यू 7 ज्यादा स्मूथनेस के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस दे देता है। और भाई जो आईकू न्यू 7 है ना हो सकता है इसके अंदर 90 FPS की BGMI परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल जाए इन फ्यूचर, क्योंकि अभी BGMI वगैरह के अंदर अपडेट नहीं आ रहा तो 90 FPS नहीं है, लेकिन जो पबजी न्यू स्टेट वगैरह उनके अंदर 90 FPS डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो भाई हो सकता है इसके अंदर देखने को मिले 90 FPS, आएगा तो मेरे चैनल के ऊपर आपको डेफिनेटली वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी इन दोनों स्मार्टफोनों में से मेरी तरफ से का जो पिक रहने वाला है वो रहने वाला है आईकू न्यू 7, और भाई जो हीटिंग वगैरह ना वो भी इसके अंदर हमको कम देखने को मिली है। आईकू 9 SE 42 डिग्री तक पहुंचा था और ये 40 डिग्री तक पहुंचा था, तो 2 डिग्री का यहां पे डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। गर्मी का मौसम आ गया भाई, ऑलमोस्ट होली के करीब करीब का सीजन चल रहा है, और रूम के अंदर मैंने AC फैन पंखा कुछ भी चालू नहीं करा हुआ है, अभी पसीने वसीने भी आ रहा है थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद का जो टेम्परेचर था वो आपने देखा। तो अपने टेस्ट का जो विनर है ना भाई वो तो मैं आईकू न्यू 7 को रखने वाला हूं, और जो अपडेट्स वगैरह वो भी इसके अंदर थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा फोन पुराना भी हो गया ना उसके मुकाबले में, लेकिन आज भी यहाँ पे ये वाला जो स्मार्टफोन है ना काफी तगड़ा है और बाकी मामलों के अंदर। लेकिन गेमिंग के बेसिस पे मैं बता रहा हूं तो गेमिंग आईकू न्यू 7 के अंदर ज्यादा तगड़ी मेरे को देखने को मिली है। आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक मारना, ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार लो भाई, 4 लाख सब्सक्राइबर करवा दो चैनल को फटाफट से। बाकी यार मैं मिलता हूं आपसे कमल के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।